हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल फोन। तो गाइज, आज है हमारे पास वीवो V29e। और फ्रेंड्स, बात करते हैं इस फ़ोन के अंदर आपको विजेट्स ऐड करने हैं। कभी कभार बहुत सारे लोग जो विजेट्स ऐड करते हैं, यानी कि उनको शॉर्टकट चाहिए होता है, तो गाइज़ वो आप विजेट्स कैसे होम स्क्रीन पे जो ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको करना क्या है कि लॉन्ग प्रेस करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो विजेट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको इस तरीके से विजेट्स ऐड नहीं करने है, तो सिंपली आप ऐप ओपन करते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो विजेट्स का ऑप्शन यहीं से भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डिपेंडेंट कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, जस्ट एग्जांपल म्यूज़िक आप ज़्यादा चलाते हो तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक वाला विजेट्स जो ऐड करना है तो यहाँ से डायरेक्टली आप म्यूज़िक प्ले पॉज कर पाओगे। और गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला है क्लीनअप, यानी कि यहाँ पर आपको एक डार्क में देखने को मिल जाता है और एक लाइट में, तो यहाँ पे आप इसको भी ऐड कर सकते हो। यानी कि कुछ इस तरीके से आपकी बैकग्राउंड में जितने भी ऐप्स है वो एक पूरी क्लोज कर देता है, और यहाँ पे आपके फ़ोन की सारी रैम जो क्लियर कर देता है। ये विजेट्स भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। फिर और भी विजेट्स अवेलेबल है, जैसे कि स्टेप काउंट कोई ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप स्टेप काउंट भी लगा सकते हो, बट फिलहाल मैंने इसको जो सेटअप नहीं किया है, यहाँ पे एग्री कर लेना है, तो यहाँ पे आपके स्टेप काउंट्स भी आ जाएंगे, यानी कि आप इसको भी होम स्क्रीन पे रख सकते हो। फिर यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे आपको वेदर का हो गया या टाइमिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, कैलेंडर में कुछ इवेंट वगैरह आपने रखा है तो आप ऐड कर सकते हो, डिजिटल वेलबिंग हो गया, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे आप इसको भी रख सकते हो, यानी कि आपने पूरा फ़ोन कितना यूज़ किया है वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करेगा। तो गाइज़ कुछ इस तरीके से आप इसके अंदर विजेट्स ऐड कर सकते हो। तो ये भी गाइज़ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।